क्वेश्चन नंबर टू एट फोर एट फोर सर टेबल ऑफ द हाउस माननीय सदस्य जो प्रश्न है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम फैसिलिटीज लेके है जो हमारे एमपीज और जो पेंशनर्स है उसके लिए कैशलेस है लेकिन जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज हैं और उनके डिपेंडेंट हैं उनको अपने जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है और उसके बाद वो रि के लिए देते हैं कभी कभी उनका पार्शियल डिनाइल भी हो जाता है तो कि मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ कि क्या वो जो एम्प्लॉयज़ है वो एम्प्लॉयज को भी कैशलेस सुविधा के अंदर लाने का कोई प्रावधान के बारे में सोच रहे हैं जो उनके लिए अच्छा होगा सर इस संदर्भ में मुझे ये कहना है कि हमने आ, अक्टूबर के महीने में प्रोएक्टिवली सीजीएचएस में क्या क्या रिफॉर्म्स और हो सकते हैं उसके लिए लोगों से एम्प्लॉज़ से सबसे सजेशंस मांगे थे काफ़ी सारे हमारे पास सजेशंस आए हैं और उस इस संदर्भ में भी उसमें सजेशंस हैं हमने उसको एक कमेटी को दिया उस कमेटी ने भी उसको स्टडी किया है स्टडी करने के बाद कुछ रिकमेंडेशनस दिए हम उनके ऊपर वर्कअप कर रहे हैं जैसे उसके बारे में कुछ इशूज़ के बारे में निर्णय फाइनलाइज होंगे वो माननीय सदस्य को भी और इस हाउस को भी हम बताएंगे सर मेरा जो सेकंड सप्लीमेंट्री है इसका दो पार्ट है रिसेंटली जो रेफरल सिस्टम है वो रेफरल सिस्टम में बहुत सारे सुधार किए गए और 75 फाइव ईयर्स से जो उम्रदराज है उनके लिए अभी वेलनेस सेंटर का कोई एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है लेकिन 75 फाइव ईयर्स है बहुत ही ज़्यादा उम्र है क्या सरकार इसको साठ करने के लिए बारे में सोच रही है क्या और दूसरी चीज़ है सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉज है और उनके जो माता पिता है जो अगर राज्य सरकार में कोई भी नौकरी छोटी नौकरी से अगर रिटायरमेंट होता है तो नौ का सीलिंग है नौ से ज़्यादा हो गया पेंशन तो उनको वो ले नहीं सकते तो इसके बारे में भी सरकार के बुजुर्गों के में बारे में सोच रही है क्या जैसा मैंने अभी कहा कि पिछले पाँच वर्ष में हम लोगों ने बहुत सारे रिफ़ॉर्म्स किए हैं उसके ऊपर भी प्रोएक्टिवली हम और फर्दर रिफ़ॉर्म्स करना चाहते हैं सभी प्रकार के सुझाव हम लोगों ने सभी लोगों से मांगे हैं समाज के नॉर्मल लोगों से भी मांगे हैं और उस पर बहुत शीघ्र जो जो सुझावों को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम निर्णय लेंगे निर्णय लेने के बाद इस हाउस के साथ शेयर करेंगे